सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने हाल ही में हुए यमुना जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। सीकर में कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि यमुना जल समझौते की वजह से सीकर में लंबे समय से चली आ रही शुद्ध पेयजल की मांग पूरी हो सकेगी। दोनों मुख्यमंत्रियों को, माननीय नरेंद्र जी को, हरियाणा में कितना पानी मिल रहा है, नहर का पानी? लंबे समय से हमारे सीकर जिले की झुंझुनू और चूरू की एक मांग थी, वो पेयजल की समस्या थी। और उस पेयजल की समस्या में सबसे बड़ी बात आती हरियाणा से पानी की उपलब्धता। हरियाणा सरकार बार बार मना करती थी, परंतु हमारे माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के बीच में MOU हो गया है। और जितना हमारे हिस्से का पानी था वो पानी देने के लिए हरियाणा तैयार हो गया है। साथ में एक दिक्कत और भी थी कि ये पानी पाइपलाइन से आएगा और पाइपलाइन ताजेवाड़ा से लेकर के और राजस्थान के बॉर्डर तक हरियाणा की जमीन पड़ती थी, वो जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी MOU हो चुका है। अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं और बहुत ही जल्दी अब पानी हमें उपलब्ध हो जाएगा।